नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फ्राइड इडली बनाना बताऊँगी और थोड़ा सा हटकर बनाना बताऊँगी। वो बनने के बाद ये बहुत टेस्टी लगती है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसे हमें कैसे फ्राई करना है। फ्राई पैन गर्म हो गया है, इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, क्योंकि इडली में थोड़ा सा तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। तेल गर्म होते ही राई डाल देंगे, राई हमें एक बड़ी चम्मच लेना है। और यहाँ हम गैस को बिल्कुल मंदा कर देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे मटर। मटर अच्छी तरह से पक गए हैं और गैस अभी बिल्कुल एकदम मंदा है। अब हम डाल देंगे गाजर, इसे हमने कद्दूकस कर लिया था, थोड़ी सी ही डालना है। लाल और हरी मिर्च है, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। ये सूखी मीठी नीम है, इसे हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। ये मीठी नीम क्या रहती है, इस तरह से हम डालते हैं तो पूरी खाने में आ जाती है। और आप सभी को पता है मीठी नीम कितनी फ़ायदा करती है। साबुत यदि हम मीठी नीम डालते हैं तो वो खाने में नहीं आती, उसे हमें निकालना पड़ता है। तो चलिए, ये मसाले तैयार हो गए हैं। नमक थोड़ा सा ही डालेंगे हम, क्योंकि इडली में नमक डला हुआ है। इसे एक साथ मिला लेते हैं। सभी मसालों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। देखिए, इडली को हमने थोड़ा सा इस तरह से लंबे पीसों में कट किया है, इसे अब हम डाल लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे और आँच को अभी हमने मीडियम कर दिया है। चलिए, अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। वाह, इडली बनकर तैयार हो गई है। सबसे आखिरी में हम डाल देंगे मूंगफली है। और साथ में ही डालेंगे हम टमाटो सॉस। इस टमाटो सॉस को हमने क्या किया है, 1 चम्मच करीब ले लिया था, उतना ही पानी ले लिया है। अब इसे मिलाएंगे। पानी इसलिए हम मिला रहे हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से मिल जाएगी। गैस को हम बंद कर देंगे और टमाटर सॉस को और मूंगफली को मिला लेंगे। दोस्तों, इस तरह से आप ज़रूर बनाकर देखिए। फ्राइड इडली बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। गैस को तो हमने बंद कर दिया। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। मस्त इडली बनकर तैयार हो गई है। इसे हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं। कभी कोई मेहमान आ जाते हैं और हमारे पास इडली है तो एक वैरायटी उसको बनाकर दे सकते हैं, वो भी बहुत पसंद करेंगे। और बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, इस प्रकार से आप भी इडली ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये इडली कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, फिर मिलती हूँ।